उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मनरेगा के तहत मजदूरों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। रोजगार देने के बजाय ठेकेदार ने ट्रैक्टर लगाकर सड़क बना दिया। मजदूरों ने लगाए आरोप, प्रशासन ने जांच के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में मनरेगा के काम में मशीनों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव की दो सड़कों पर मिट्टी की पटाई के नाम पर ठेकेदार ने ट्रैक्टर से सड़क को समतल कर दिया है, जबकि ठेकेदार को यह काम मनरेगा के तहत ग्रामीणों से करवाना था। इस मामले में जिले के उच्च अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी 8 दिन पहले वो काम कराया गया, अगर ये सच्चाई की बात आती है सामने तो क्या कार्रवाई होगी? पहले हम एक बार देख लें कि किस तरीके का वहाँ पर जो नियमों का उल्लंघन किया गया है, एक बार जांच में पता चलेगा कि कितनी अनियमितता की गई है, उसी हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले के बॉर्डरपुर नंबर 8 के गांव बिहारीपुर की दो कच्ची सड़कों को मनरेगा से मिट्टी का काम कराकर ऊंचा करना था, लेकिन ठेकेदार ने इस सड़कों को ट्रैक्टर लगाकर जुतवा कर बराबर कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क पर एक फीट भी नई मिट्टी नहीं डाली गई है और ना ही किसी ग्रामीण से इस पर मनरेगा के तहत काम लिया गया है। ठेकेदार ने इस सड़क को ट्रैक्टर लगाकर बराबर कर दिया है और मिट्टी पटाई का कार्य दिखाकर सरकारी धन के बंदर बांट की तैयारी कर ली है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने यह काम अभी 8 दिन पहले ही किया है। ठेकेदार की कोशिश है कि इसी तरह लिपापोती कर वह भुगतान भी करा लेगा, लेकिन वे ऐसा होने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर ग्रामीण उच्च अधिकारियों से शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। मने नए काम करे हैं, ट्रैक्टर से जताए क्या तो एकदम बराबर कराए हैं। तो लोग मजदूर हो, मनई में काम नहीं करे हैं, एक मने नहीं काम करे हैं, सारा ट्रैक्टर से जताए गया है। तो लोग मजदूर हो, हाँ। अब ऐसे में अगर ट्रैक्टर से सड़क बनाई दी जाए गाँव के, तो कैसे खाए पिए, काम के लिए कैसे व्यवस्था होगी? तो अपना सोचा जा, मैंने कैसे जी कैसे खाए, जब ट्रैक्टर से जता जता सारा निकाल लिया था पैसा। के कमाओ करवाई सी चाची, कहां से मटिया आई है, तो माटी कौन निकाल रहा है कुछ है? केकरे द्वारा काम करवाई है? केहू द्वारा नहीं, ऐसे कहने जानकारी है केहू का? ये सर बाहर से मिट्टी नहीं डलवाया गया है, इसको जुतवा दिया गया है, जो बना काम था वो भी बिगाड़ दिया गया है। समय से आदमी काम नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। कब हुआ ये? आज करीब लगभग 8 दिन हो गया। जालसाजी कर सरकारी धन हड़पने की कोशिश के इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि यह मामला अभी उनके सामने आया है, इसकी जांच कराकर वे दोषी पाए जाने वाले हर शख्स पर कठोर कार्यवाही करेंगे। आपके अभी संज्ञान में लाया गया है, इसकी पूर्ण तरीके से जांच कराई जाएगी और अगर ऐसा इसमें जो तथ्य है, अगर इसमें कोई भी सच पाया जाता है तो इसमें पूरी कार्रवाई जो है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं हमारे ग्राम स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय, जो भी जिसकी भी संलग्नता पाई जाएगी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जो नगर पंचायत डिक्लेयर हो गए हैं जो हमारे गाँव क्षेत्र में, उनमें उसमें शासन आदेश में ये उल्लेखित किया गया है कि जो काम शुरू किए गए थे और जो काम जो स्वीकृत होकर शुरू किए गए थे उनको ख़त्म कर लिया जाए और कोई नया काम शुरू ना किया जाए, तो उसको भी देख लिया जाएगा। अगर वो उस काम की श्रेणी में आता है जिसको पहले से शुरू कर लिया गया था, तो उसको समाप्त करने का शासन आदेश है और कोई भी नया काम जो है अब उसको शुरू जो है वो नहीं कराया जा रहा है, जो ग्राम पंचायत से नगर पंचायत या नगरीय क्षेत्र में आ गया। आपको बताते चले कि बॉर्डरपुर नंबर 8 का यह बिहारीपुर गांव बॉर्डरपुर के नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद नगर पंचायत में शामिल हो गया है। अब यहां ग्रामीण पंचायत से कोई भी नया काम नहीं हो सकता, ऐसे में आनन फानन में ट्रैक्टर लगाकर लाखों रुपयों की लागत का यह काम फर्जी तरीके से ठेकेदार द्वारा करना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से संवाददाता कृपा शंकर भट्ट की खास रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।